हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोग? सब खैरियत से होंगे और आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है। आज हम लोग जा रहे हैं चौपाल और चौपाल में हम ब्रंच का हमने प्रोग्राम बनाया है और हम निकल गए हैं और काफ़ी जल्दी पहुंचने की कोशिश हो रही है क्योंकि वहां पे भी टाइम निकलता जा रहा है और बस हम पहुँचने वाले हैं। और वहाँ जैसे ही पहुँचेंगे तो वहाँ बड़े मज़े का रिव्यू होने वाला है इसका। तो ये बस यहाँ से ये हम लगाने का हाथ पर आ गए और ये हम चौपाल पहुंच गए हैं। जल्दी से मिलने आए चौपाल के आप लोगों को। और ये चौपाल का फ्रंट व्यू है और ये देखें ज़बरदस्त फ्रंट व्यू आ गया। चलें बंदर चलते हैं। वैले पार्किंग भी है यहाँ पे, आप इजीली आके पार्किंग करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है पार्किंग का भी। और ये इनका फ्रंट बहुत ही खूबसूरत सा बना हुआ है और यहाँ से एम्बुलेंस हो चुकी है हमारे अंदर। लेफ्ट साइड से एंट्रेंस है जाने का और ये यहाँ से इनका पूरा मेन्यू का जो भी इनका किचन है वो स्टार्ट हो जाता है। ये किचन का एंटर हो चुके हैं। ये बहुत सारी मज़े की डिशेस आ गई हैं, ये सारे फ्राइड आइटम्स हैं यहाँ पर। यहाँ पे आपको फ्राइड फिश और इसी तरीके से नूडल्स और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इनकी मिलेंगी मेन कोर्स के अंदर, जो कि सारे फ्राइड आइटम्स लगे हुए हैं वन बाई वन करके। यहाँ पर मलाई बोटी भी है और सारा बारबेक्यू लगा हुआ है साइड पर। मोहम्मद असद भी कुछ देख रहे हैं उनको क्या पसंद है। यहाँ पे दाल कीमा सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बिल्कुल फ्रेश और हॉट तरीके से इन्होंने रखा हुआ था। कोई भी चीज़ ठंडी नहीं थी, सारी चीज़ें अच्छी थी। और ये भी बिरयानी भी बहुत मज़े की थी, कोई भी चीज़ इतनी स्पाइसी नहीं थी कि खाई ना जाए या बहुत ज़्यादा मसाले वाली हो। सारी चीज़ें अच्छी थी, टेस्ट में भी अच्छी थी। और यहाँ पर सुबह के लिए हमारे लिए ये पूरा एग स्टेशन बना हुआ था। यहाँ पे ये पराठों का सिस्टम है, यहाँ पराठे डल रहे हैं भाई, ताज़े ताज़े पराठे डल रहे हैं फुल। और ये कचौरी का सालन वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं इन वाली पूरे सेक्शन के अंदर। आलू दही चना तरकारी और इसके साथ आगे चलते हैं और देखते हैं क्या चीज़ें यहाँ पर। ये प्लेन नान रखे हुए हैं और नान भी गर्म गर्म उतार रहे थे। अच्छा ये बड़े मज़े का चीज़ें हैं, आप देखें पूरा यहाँ पर ये बनाया हुआ है, सारा फ्रेश लाइव कुक भी करके दे रहे थे। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ये वाइट सॉस पास्ता और सॉसेजेस बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे रखे हुए हैं। और इसके साथ आगे आ जाए, ये ग्रिल चिकन थी बहुत ही मज़े की और इसके साथ सॉसेजेस भी रखे हुए थे मॉरकॉर्न टेरकॉर्न, तो वो भी आप इसके ऊपर डाल सकते थे। बहुत ही मज़े की चिकन थी ये जो ये लाइव करके दे रहे थे। और ये एक्सेप्शन है, इसका रिव्यू मैं आपको बाद में देता हूँ, बट हम पहले और भी सारी चीज़ें कवर कर लें कि ये चाइनीज़ आ गया है, चाइनीज़ भी है और नूडल्स भी थे बहुत ही मज़े के, दोनों चीज़ें बहुत ही मज़े की थी ये भी। और अब हम चलते हैं डेजर्ट सेक्शन में, डेजर्ट सेक्शन में देखते हैं क्या क्या चीज़ें इनके पास हैं।
डेल सेक्शन देखा आपने, कितना मज़े का था। और अब ये सारा सैलेड सेक्शन है, सैलेड सेक्शन में देखते हैं क्या। ये सारा सॉसेस वगैरह रखी हुई हैं इनकी, जो सैलेड की होती हैं। और अब हम आपको बताता हूँ कि वो एग सेक्शन जो मैं आपको कह रहा था, बहुत ही मज़े का ये एग सेक्शन आ गए हैं। ये लाइव एग बन रहा है यहाँ पर, किट कॉर्नर से। और इसमें सारे काफ़ी सारे आइटम्स हैं, इनके बाद डील्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे आप आइसक्रीम टाइप बना सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ा बाहर की तरफ और देखते हैं बैक साइड के ऊपर।